Assalamualaikum guys, here I am Aisha Bagard and I am back with another video. So in this video we will discuss about the tips and tricks to score maximum in medical pre-entry test. जैसे कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि लाइक हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से कोचिंग क्लासेस जो हैं वो बंद हो चुके हैं और मे बी स्टूडेंट्स की प्री एंट्री टेस्ट कंडक्ट हो अक्टूबर में. सो जैसे कि एक जंगी होता है उसे हमेशा जंग के लिए तैयार होना चाहिए, इसलिए एक स्टूडेंट को हमेशा अपनी आने वाली टेस्ट के लिए, अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना चाहिए. सो स्टूडेंट्स यू शुड प्रिपेयर अबाउट योर मेडिकल प्री एंट्री टेस्ट. अभी जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसी टिप्स या ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज़ करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं प्री एंट्री टेस्ट में, मेडिकल प्री एंट्री टेस्ट में, जो कि NTS कंडक्ट करवाती है. तो यहाँ पे आता है कि हम कैसे टेस्ट में स्कोर मैक्सिमम करें. तो पहला ऑप्शन होता है कि कंप्लीट द कोर्स, यानी कि हमें कोर्स कंप्लीट करना चाहिए. कोर्स कैसे कंप्लीट करें, स्टडी के थ्रू. यानी कि जाहिर सी बात है, हम टेस्ट के लिए हमें बुक्स दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक दिए गए हैं, उनको हमने पढ़ना है. तो हम कैसे पढ़ेंगे, स्टडी के थ्रू. स्टडी के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है डीप स्टडी और दूसरी होती है शैलो स्टडी. डीप स्टडी मतलब क्या कि सारे पूरे दिन में 24 आवर्स में मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती हूँ और कुछ गेन करके पढ़ती हूँ. और शैलो स्टडी में क्या होता है कि मैं पूरे दिन बोलती हूँ कि मैं 10 घंटे पढ़ती हूँ, लेकिन विदाउट एनी कंसंट्रेशन और कुछ खास गेन नहीं करती. सो द 2 आवर्स ऑफ डीप स्टडी आर बेटर देन द 10 आवर्स ऑफ द शैलो स्टडी. तो हमें क्या करना चाहिए, डीप स्टडी करना चाहिए, जिस स्टडी से हम कुछ गेन भी कर सकते हैं. सबसे पहले स्टेप हमने ये की चीज़ चूज़ किया कि हमें कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि 80% मोर देन 80% जो NTS वाले MCQs निकालते हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक से ही होते हैं. तो मतलब कि अगर हम अपना टेक्स्ट बुक यानी कि कोर्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो हम टेस्ट अच्छे से पास कर सकेंगे और मैक्सिमम स्कोर कर सकेंगे मोर देन 80%. सो यहाँ पे कुछ मैंने ट्रिक्स डाली हैं कि फर्स्ट जो ट्रिक है हमारे पास, स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड से मतलब क्या है कि जो चैप्टर्स हैं यानी कि जो फ्रंट वाले चैप्टर्स होते हैं वो हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि बार बार पढ़ते हैं. जब भी हमें किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से ही शुरू करते हैं या सेकंड से, यानी कि जो पहले चैप्टर्स होते हैं उन पर हमारी ग्रिप होती है बनस्पत वो वाले चैप्टर्स जो लास्ट में होते हैं. MCQ तो हर चैप्टर से आता है, इसीलिए अब स्टार्ट हमें क्या करना है, पीछे से करना है, यानी कि जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ना है, उन पर हमें ग्रिप करनी है. ट्रिक नंबर 2, फर्स्ट चूज द वीक सब्जेक्ट. अब हर कोई स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, डेफिनेटली हम सबकी कोई ना कोई वीकनेस होती है, हम सबका कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, जैसे कि फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है. तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि वो पहले अपने वीक सब्जेक्ट को तलाश करे, वीक सब्जेक्ट को तलाश करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाए, यानी कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाए. वीक सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मोस्टली स्टूडेंट का वीक सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स होता है, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाए. ट्रिक नंबर 3 होता है, उन सब्जेक्ट से भी आप पहले क्या करें, वीक चैप्टर्स को या लेस फ्रीक्वेंटली जो हम पढ़ते हैं उन चैप्टर्स को सिलेक्ट करें और उन्हें स्टडी करें और उन्हें अपने स्ट्रॉन्ग बनाएं या उनसे उन पे ग्रिप हासिल करें. ट्रिक नंबर 4 क्या है, मेक श्योर दैट यू हैव ग्रिप ऑन योर सिंथ टेक्स्ट बुक्स, यानी कि बुक्स जो होते हैं हमारे सिंथ टेक्स्ट के उन पे हमें ग्रिप होनी चाहिए. कोई भी बुक हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी का हो, किसी दूसरे बुक को टच भी ना करें, पहले मेक श्योर करें कि आपको इन सब्जेक्ट्स पे, इन बुक्स पे ग्रिप आ चुकी है. ट्रिक नंबर 5 क्या है, जब हम पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो ये आइडिया बना लें, उनमें से एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से चैप्टर से मैक्सिमम MCQs आ रहे हैं, यानी कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा MCQs आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को अपने ध्यान में रखें और उन चैप्टर्स को अच्छे से फोकस में ले लें, क्योंकि NTS वाले उन चैप्टर से ज़्यादा MCQs या फ्रिक्वेंटली MCQs निकाल रहे हैं. अब यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट्स आते हैं बेसिक सब्जेक्ट्स, वो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश. सबसे पहले यहाँ आता है फिज़िक्स,
यानी फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए, फिजिक्स का रिलेशन विद मैथमेटिक्स काफ़ी गहरा रिलेशन होता है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स की अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो ऑटोमेटिकली उनकी फिजिक्स अच्छी है, क्योंकि फिजिक्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होती है, फार्मूलाज होते हैं, तो मैथमेटिक्स काफ़ी यूज़ होती है फिजिक्स में। उसके बाद फिजिक्स की कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ हो रहे हैं उनको अपने ध्यान में बिठाएं, यानी कि कॉन्सेप्ट्स होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स में एमसीक्यूज़ में थ्योरी भी आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो देयर मस्ट बी कॉन्सेप्ट। पहला काम क्या करना है कि आपको थ्योरी से भी अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस ऑन द प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि एक बंदा वीक है प्रॉब्लम्स करने में, क्यों वीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता है। प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन से कहाँ से प्रॉब्लम्स लाके उन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिजिक्स टेक्स्ट बुक यानी कि फर्स्ट ईयर इंटर के जो अंदर चैप्टर्स के अंदर एग्जाम्पल्स होता है उनमें प्रॉब्लम्स गिवन होते हैं वो सॉल्व करने चाहिए, एक्सरसाइज के सॉल्व करने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में काफ़ी लेंदी होता है और जो न्यू पैटर्न है उसमें बायोलॉजी से मेजर पोर्शन ऑफ एमसीक्यूज होता है, सो बायोलॉजी भी हमें अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए, सब चैप्टर्स पढ़ने चाहिए हमें। खास खास कौन से चैप्टर्स होते हैं या लाइक जो सिस्टम्स वाले चैप्टर्स होते हैं उनमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं, डायग्राम्स आती हैं, कौन से होते हैं वो सिस्टम्स वाले चैप्टर, लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बायो एनर्जेटिक्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जेनेटिक्स, ये जो सब जो चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स से पेडिग्री आती है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का मटेरियल होता है इन चैप्टर्स में, जो हमें अच्छे से पढ़ने चाहिए। और डायाग्राम्स पे तो ज़रूर भी ध्यान देना चाहिए, जो भी डायाग्राम्स हमारी नज़र में आए उन पर ध्यान देना चाहिए, टेक्स्ट बुक में जो भी डायाग्राम्स हैं। उसके बाद दो ऐसे चैप्टर्स हैं लाइक किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें इन्हें टोटली इग्नोर नहीं करना है, अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए भी इन्हें पढ़ लेना चाहिए। लाइक किंगडम प्लांटी में से हमें क्या मिलता है, कौन सी चीज़ें आती हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली, लाइक बायोलॉजिकल नेम्स, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनके बायोलॉजिकल नेम्स आते हैं, और फ्लोरल फार्मूला, ये जो दो चीज़ें आती हैं मोस्टली कॉमन होती हैं चैप्टर प्लांटी से हमें आती हैं टेस्ट में, एनटीएस टेस्ट में। किंगडम एनिमिलिया वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर सर्टिफिकेशन वन एटलीस्ट वन टाइम आप इसे स्टडी कर दें। केमिस्ट्री पूरे चैप्टर्स हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी टाइप मिक्स होता है, उसमें बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, वो सब चीज़ें सिंबल उनकी हमें याद करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली 2 MCQs और 1 MCQs इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आते हैं। कॉन्स्टेंट्स के जो वैल्यूज़ हैं कभी कभार आ जाते हैं कि एवोगाड्रो नंबर या आर कॉन्स्टेंट, इन सब के आप वैल्यूज़ अच्छे तरीके से याद कर लें। और जो फार्मूलाज होते हैं, केमिकल फार्मूलाज, यानी कि सब्सटेंस के केमिकल फार्मूलाज, अगर केमिकल आएगा तो उसका फार्मूला, अगर फार्मूला आएगा तो नीचे आप उससे केमिकल का नेम पूछेंगे। इंग्लिश इतने प्रॉब्लम क्रिएटिंग सब्जेक्ट नहीं है यार, इंग्लिश ईजी है। कैसे ईजी है, उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें सैनोनम्स एंड एंटोनम्स आते हैं, लाइक सैनोनम्स भी ईजी होते हैं, एंटोनम्स भी ईजी होते हैं, लाइक डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वो सैनोनम्स और एंटोनम्स देते हैं। कभी कभार एक डिफ़िकल्ट भी आ जाता है जो भी हम कॉन्सेप्ट लगा के कर जाते हैं, और दूसरा होता है पैसेज रीडिंग, यानी कि पैसेज होता है उस पैसेज को हम स्टडी करते हैं, नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको हम आंसर करते हैं। ग्रामर कहाँ से आती है, ग्रामर के जो क्वेश्चंस आते हैं यानी कि वो कहाँ से आते हैं, फर्स्ट ईयर इंटर के जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं उनमें जो चैप्टर्स होते हैं यानी कि लेसन्स होते हैं, उसके बाद में जो हमारी ग्रामर आती है, एक्सरसाइज आती है, वहाँ से ये MCQs निकालते हैं। उसके बाद आता है कि हमने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया लाइक, उसके बाद है सॉल्व करना MCQs को बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें आइडिया कैसे मिलेगा, लाइक कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम में हम सॉल्व कर जाते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस कर लें, यानी कि ये जो सब चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में आ जाती हैं। तो मैंने उस बुक्स को भी 2 कैटेगरीज में यानी डिवाइड किया, एक फिर बेसिक कैटेगरी है, दूसरी है सेकेंडरी कैटेगरी। बेसिक कैटेगरी में क्या है कि जो बुक्स हमें डेफिनेटली सॉल्व करने, लाइक डाउग्रेड से NTS पास्ट पेपर्स, NTS के जो असली पास्ट पेपर्स होते हैं, जो प्रीवियस पेपर ईयर्स में होते आ रहे हैं उनके बुकलेट होता है,
दूसरा है इस्लामी जमायत ताल पब्लिशर्स का एक NTS पास पेपर से। इन दोनों की पिक्चर्स मैंने वीडियो के शुरू में दे दी हैं, आप देख लें और ख़रीद के इन्हें जल्दी से सॉल्व कर दें, बिकॉज दीज टू बुक्स आर वेरी हेल्पफुल। ये तो ज़रूर भी हमें करना ही करना है। उसके बाद जब हम ये कर लेते हैं, ग्रिप इन पे हासिल हो जाती है, यानी कि बार बार करना है इन बुकलेट्स को ताकि ये अच्छे से समझ हो जाए। दूसरा फ़ायदा क्या है इन प्रीवियस पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने का, वो ये है कि जो NTS वाले होते हैं वो कभी कभार पीछे से भी MCQs यानी कि प्रीवियस MCQs भी, प्रीवियस क्वेश्चंस भी निकाल लेते हैं, तो अगर आपका सॉल्व हुआ होगा तो आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। सेकेंड कैटेगरी यानी कि अब ये सॉल्व हो गई है, अब दूसरी आप क्या चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो उसमें आती है A-level बायोलॉजी MCQ बुक है, A-level केमिस्ट्री MCQ बुक है, या पंजाब केमिस्ट्री बुक ऑफ इंटर उसमें एक्सरसाइज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ कम टू लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द मेडिकल प्री एंट्री टेस्ट, अब कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है यानी MCQs आ रहे हैं वो 200 आ रहे हैं टोटल नंबर, और दूसरा जो टाइम मिल रहा है 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है 150 मिनट्स, यानी कि एक क्वेश्चन को, एक MCQ को सॉल्व करने के लिए आपको मिल रहे हैं 45 सेकेंड्स। तो जैसे कि हमने 4 सब्जेक्ट्स डिस्कस किए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, तो बायोलॉजी से कितने MCQs आ रहे हैं, 80 MCQs आ रहे हैं, मेजर पोर्शन जो आ रहा है वो बायोलॉजी से आ रहा है, केमिस्ट्री से 60 MCQs, फिजिक्स से 40% एंड इंग्लिश से 20%। और दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट है कि इस ईयर जो 2019 था उसमें जो MCQs थे यानी कि 200 MCQs उसमें नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि ये तो बात ज़रूरी है कि आपको 200 के 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग से मतलब क्या है कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके सही क्वेश्चन से वो काट लिए जाएंगे, इसीलिए ये तो अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये ज़रूरी है कि आप 200 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर लें। अब यहाँ पे मेरे पास एंट्री टेस्ट है 2019 की, यहाँ पे ये सब जो है वो लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस, ये आपको पढ़ लेने चाहिए, ये सील होती है, उसके बाद टाइम शुरू होने पे हमें खोल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है। अब यानी MCQ सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या है, यानी कि कैसे हम सॉल्व करें, तो ट्रिक नंबर 1 है ईजी टू हार्ड, यानी कि कोई सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है, पहले आप देख लेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो इजी लग रहा है, तो पहले आप वो सॉल्व कर लें, उसके बाद हार्ड सॉल्व कर लें। इससे क्या फ़ायदा क्या होगा कि जो आप इजी सॉल्व कर लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, हार्ड के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। दूसरी जो ट्रिक मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ये है कि हार्ड टू ईजी, यानी कि पहले क्या है, सपोज़ मुझे ना सब्जेक्ट फिज़िक्स हार्ड लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, पहले खोल के झट से मैं फिज़िक्स सॉल्व करूँगी। फिजिक्स खोल के मैं वो सॉल्व करूँगी, जल्दी से सॉल्व कर लूँगी, और बाद में मुझे जो इजी सब्जेक्ट लग रहा है वो बायोलॉजी लग रहा है, फॉर सपोज मैं वो सॉल्व करूँगी। अब ये हार्ड टू इजी समझ में नहीं आ रही है, दरअसल इसके बिहाइंड जो ट्रिक वो ये है कि पहले अगर मैं हार्ड करूँगी, यानी कि जब हम पहले न्यू होते हैं तो हमारा दिमाग सही काम करता है, यानी कि फ्रेश होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, और जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है होता जाता है तो हम पैनिक फील करते हैं, यानी कि थक जाते हैं, और इसमें तो 200 MCQs है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले हार्ड सॉल्व करती हूँ, और बाद में क्या होता है कि हार्ड भली अच्छा टाइम मतलब गुजर जाए तो वो इजी आखिर में जो बचता है वो मैं बिना इतना सोचे या आसानी से थोड़े टाइम में भी कर सकती हूँ, इससे मुझे बहुत एडवांटेज हो रहा है। यानी कि अब ये आपके हाथ में है कि आप इजी टू हार्ड जा रहे हैं या हार्ड टू इजी जा रहे हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या है कि आपको सपोज़ मैं MCQ सॉल्व करती जा रही हूँ, कुछ MCQs हैं बीच बीच में लग गए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो मैं बजाय इस पर खड़ी रहूँ, इससे सोचती रहूँ कि इसका जवाब क्या होगा, सही क्या होगा, मुझे इसे लीव करना चाहिए, यानी कि दूसरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, और जो मैंने छोड़ दिए उनके बाद आखिर में आके उनको देखूँ और सॉल्व करूँ। यानी कि अगर उसके बाद भी हमें इसके सही जवाब याद नहीं आ रहे हैं तो मैं तुक्का भी मार सकती हूँ, क्योंकि नॉन नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जो चीज़ होती है, फिल द सर्कल्स प्रॉपरली, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलती है, ऐसी आंसर शीट मिलती है, ये तो कॉपी ओरिजिनल तो वो खुद अपने पास ले जाते हैं, यहाँ पे आपको नेम लिखना है, क्वेश्चन बुक नंबर लिखना है, कलर यहाँ पे हमारे पास येलो थी तो हमने येलो टिक किया। उसके बाद यहाँ पे हमें 200 सर्कल्स फिल करने, तो क्या करना है कि मतलब सर्किल को प्रॉपरली, या जहाँ पे मैंने फिल किया है तो प्रॉपरली फिल करना चाहिए, कि ताकि क्या हो कि जो पेपर्स जो हमारे ये चेक करती है ओमेयर मशीन चेक करती है, अगर वो बाहर हो जाएगा तो क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा और मेरा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
और दूसरी जो मेन चीज़, सबसे मेन चीज़, सबसे ट्रिक से मेन एमसीक्यू सॉल्व करने में, वो होती है टाइम पे नज़र। यानी कि आपके साथ वॉच साथ रखें और ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा ज़ाया ना करें, 45 सेकेंड एक क्वेश्चन पे, उसके बाद उसे छोड़ दें और दूसरे क्वेश्चन पे चले जाइए। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है, यानी कि क्वेश्चंस कर पढ़ते मुझे क्या करना है कि मैंने सपोज़ यहाँ पे इसे टिक कर दिया, फिर ये पढ़ गया यहाँ पे टिक कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना है। जैसे ही क्या करना है, मैंने एमसीक्यू पढ़ा उसका मुझे राइट आंसर सपोज़ बी लग रहा है, तो मैं फट से जाकर यहाँ पे उससे नंबर को नोट करके बी जल्दी से आंसर क्लिक कर दूँगी। क्या है कि यहाँ पे टिक करें उसके बाद यहाँ पे टिक करें, इससे क्या होता है टाइम ज़ाया होता है। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं पूरी टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करके फिर टाइम ख़त्म हो जाता है, बोलते हैं यहाँ पे तो हमने किया ही नहीं है, मेन यहाँ पे है। इसीलिए जो भी आंसर आपको यहाँ पे मिले, यानी कि अगर यहाँ पे मुझे ये आंसर लग रहा है, तो झट से जाकर ये एमसीक्यू फाइंड करके 150 फाइंड करके उसमें बी ऑप्शन आंसर क्लिक कर दें, तो इससे क्या होगा हमारा टाइम बचेगा। तो ये थी सब टिप्स और ट्रिक्स जो मेरे पास थी, मैंने आपको बताया, होप दैट कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। मेहनत सबसे अहम चीज़ है आपकी सब चीज़ों में, इन टिप्स ट्रिक्स में मेहनत सबसे अच्छी चीज़ है। यानी कि अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, अगर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कोरोना की कब वैक्सीन बनेगी किसी को कुछ पता नहीं है, इसीलिए अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल अगर आप मेहनत करते रहेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल विथ आयशा, लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।